वेलकम टू स्टार इन्फोमेटिक। आज हम देखेंगे D32 OTDR की परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने है मिनी D32 फाइबर शॉट OTDR। तो बेसिकली ये एक पॉन OTDR है, इसके अंदर हम अपनी लाइन के लाइव सिग्नल भी चेक कर सकते हैं। तो ये OTDR आता है 3 एप्लीकेशंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा OTDR, सेकंड वन इज FLM एंड VFL। तो पहले हम OTDR की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, हमारा OTDR का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसके बाद हम अपने लाइन के अकॉर्डिंग सेटअप में जाके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट वेव पे हम जाकर इसमें 2 वेवलेंथ के थ्रू अपने लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। पहली वेवलेंथ है मेरी 1310 एंड सेकंड वेवलेंथ बनती है मेरी 1625, जो कि एक लाइव सिग्नल के रिगार्डिंग यूज़ की जाती है। तो पहले हम 1310 पे एक ट्रेस करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, 1310 के लिए हमारा डेडिकेटेड पोर्ट 1 होता है और 1625 के लिए डेडिकेटेड पोर्ट 2 हमने रिकमेंड किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम बेसिकली एक पैच कोड को 1310 की पोर्ट में लगा देते हैं, उसके बाद टेस्ट पे परफॉर्म कर देते हैं क्योंकि हमने 1310 को सिलेक्ट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी दोनों ही लाइन का ट्रेस जा चुका है, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं टेबल में भी अपने ट्रेस को देख सकता हूँ। जैसे ही मैं ट्रेस पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं टेबल की फॉर्म में भी मेरे ट्रेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं अपने OTDR की 1625 की परफॉर्मेंस को। इसके लिए हमने एक लेज़र सोर्स का इस्तेमाल किया है। लेज़र सोर्स से हमको एक पावर जनरेट हो रही है और हमने अपने पैच कोड को पोर्ट नंबर 2 पे लगा दिया है, जो कि डेडिकेटेड है 1625 की वेवलेंथ के रिगार्डिंग। आइए इसको ट्रेस करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरा पूरा का पूरा ट्रेस जा चुका है। आप यहां देख सकते हैं मेरी वेवलेंथ है 1625, और अगर मैं टेबल फॉर्म में देखूं तो मेरे पैरामीटर्स बिल्कुल सेम हैं, जैसे ही पैरामीटर मेरे 1310 की वेवलेंथ पर आ रहे थे। आइए अब इसकी बाकी एप्लीकेशंस को जानते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है मेरी FLM। ये एक फील्ड लिंक मैप एप्लीकेशन होता है। इसके अंदर आप एक पिक्टोरियल ग्राफ की इमेज में अपने ट्रेसेस को, अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेस्ट पे जाइए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कितने स्प्लिटर लग रहे हैं, सेकंड स्प्लिटर, फर्स्ट स्प्लिटर या फिर टेस्ट वेव को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो 1625 की टेस्ट वेव को मैं चेंज करके ट्रेस करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा टेस्ट परफॉर्म हो चुका है। मेरे लाइन के अंदर किसी तरह का कोई स्प्लाइस या स्प्लिटर नहीं था, तो इसलिए पिक्टोरियल ग्राफ में स्प्लाइस या स्प्लिटर का कोई साइन बनकर नहीं आया है। आइए फाइबर शॉट D32 पॉन OTDR की नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है VFL की। जैसे ही आप देखते हैं, VFL के लिए दोनों ही पोर्ट के बीच में एक डेडिकेटेड पोर्ट है। अब हम इसको एक पैच कोड से कनेक्ट करके अपने VFL को ऑन कर लेते हैं और दूसरे एंड पे देखेंगे कि हमको एक सिग्नल देखने को मिल रहा है, एक लाइट फॉर्म में सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये दो फॉर्म में होता है, एक स्टेबल और एक ब्लिंक। आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्म में हमको ये सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो ये था फाइबर शॉट पॉन D32 OTDR की रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू।